गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। माँ सरस्वती कंप्यूटर सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एमएस एक्सेल में आप सिंपल सा एक डिजिटल क्लॉक कैसे बना सकते हैं। जी हाँ, कैसे इसका हम लोग उपयोग करेंगे और क्या इसका फंक्शन है, ये जानने के लिए जरूर बने रहिए क्योंकि वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बिना समय को नष्ट किए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की ओर और देख लेते हैं एमएस एक्सेल में एक सिंपल सा डिजिटल क्लॉक हम लोग कैसे बनाएंगे। सो लेट्स, जैसे कि हम लोग आ गए हैं एमएस एक्सेल के वर्कशीट पर और आप लोग देख रहे हैं यहां पर एक डिजिटल क्लॉक देखिए चल रहा है। देखिए 9:14:50 यहाँ पर दिखा रहा है और सुबह का वक्त है इसलिए एएम दिखा रहा है। तो इस तरह का डिजिटल क्लॉक हम लोग एमएस एक्सेल में कैसे बना सकते हैं, आइए आज के टॉपिक में हम लोग इस चीज को सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्लोज कर देते हैं और एक नया वर्कशीट ओपन कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको क्लोज कर लेते हैं और एक नया वर्कशीट को ओपन कर लेते हैं। एक नया वर्कशीट ओपन कर लिए। अब सबसे पहला जो काम आपको करना है वो है आपको किसी भी सेल में आपको क्लिक करना है और उस सेल को मान लीजिए मैं जे को सिलेक्ट कर लेता हूं और इसके जो रेंज है थोड़ा मैं जूम कर देता हूं ताकि आप लोग को अच्छा से समझ में आए इस चीज को। इसको जो है हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, चलिए सपोज दैट यहां तक बढ़ा दिए और इसका जो ये वाले रेंज है रो सेक्शन का उसको भी थोड़ा सा हम लोग बढ़ा कर देते हैं ताकि अच्छा से देखने को मिल जाए। ये हो गया। अब सबसे पहला काम जो आपको करना है यहां पर आपको इक्वल टू लिखना है और देन आपको यहां पर टाइप करना है नाउ, देन ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट को क्लोज कर देना है, देन एंटर बटन प्रेस करेंगे तो देखिए यहां पर टाइमिंग आ गया, जो सिस्टम का करंट टाइम है वो आपको यहां पर शो होने लगा है। अब जो काम आपको करना है वो है इसमें राइट क्लिक कीजिए और यहां से आप चले जाइए फॉर्मेट सेल्स में। फॉर्मेट सेल्स में आने के बाद आपको जो करना है यहां पर आपको टाइम सेक्शन को ले लेना है कैटेगरी से और देन आपको यहां से चूज कर लेना है जहां आपको आवर मिनट और सेकेंड और साथ में एम और शो होता हो उस वाले सेक्शन को आप चूज कर लीजिए। देन यहां से सिंपल सा आप प्रेस कीजिए ओके बटन, यहां पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप ओके में क्लिक कर दीजिएगा तो देखिए यहां पर टाइमिंग शो हो रहा है, ये टाइमिंग आपका आ गया है। अब जो है यहां पर अब फॉर्मेटिंग का काम आता है, तो चलिए हम लोग इसको जट से फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, थोड़ा जूम को हम लोग हटा देते हैं। इसको फॉर्मेटिंग करने के लिए हम लोग चले जाएंगे होम टैब पर और यहां से हम लोग इसको सबसे पहले फॉन्ट को चूज कर लेंगे। चलिए फॉन्ट हम कोई भी रख सकते हैं, चलिए जैसे आपको सुविधा लगे, आपको देखने में लगे बढ़िया लगे वो आप फॉन्ट यहां से चूज कर सकते हैं। इसको रख लेते हैं और यहां से साइज जो है इसको कम से कम आप 50 रख लीजिए ताकि वो दिखे भी और इसको आप कर दीजिए अलाइनमेंट में जाके, थोड़ा मैं जूम कर देता हूं, देखिए मिडिल अलाइन और यहां पर आपका हो गया सेंटर टेक्स्ट, टेक्स्ट को सेंटर में कर लीजिए और इसको मिडिल अलाइनमेंट में कर लीजिए तब देखने में परफेक्ट लगेंगे। और यहां से अगर आपको और भी कोई डिजाइन चाहिए तो आप यहां से ले सकते हैं, जैसे कि ये सब है इसको रख लेते हैं थोड़ा बढ़िया लगेगा। इससे भी अलग से आप इसको अगर रखना चाहते हैं तो ये भी रख सकते हैं, देखिए भी अच्छा लग रहा है देखने में। अब जो है यहां पर आप थोड़ा सा कलर चेंज कर दीजिए, तो चलिए मैं यहां से एक कलर ले लेता हूं, कोई भी एक कलर मैं ब्लैक ले लेता हूं और यहां से इसको हम लोग व्हाइट ले लेते हैं या तो कोई दूसरा कलर भी आप ले सकते हैं, जैसे येलो ले सकते हैं तो देखिए येलो आ गया और यहां से इसका बैकग्राउंड भी थोड़ा सा आप ब्लू कर देना चाहिए तो ब्लू कर सकते हैं, थोड़ा देखने में बढ़िया लगेगा तो आपको समझ मिल जाएगा। ये देखिए ये हम लोग का फॉर्मेटिंग का काम तैयार हो गया है। अब जो है इसमें हम लोग बॉर्डर लगाएंगे, तो बॉर्डर लगाने के लिए हम लोग यहां से भी लगा सकते हैं, इसमें चले जाएंगे थिक बॉक्स बॉर्डर, यहां पर क्लिक कर देंगे यहां पर देखिए बॉर्डर आ जाएंगे, ठीक है। यहां तक काम कर लेने के बाद आपको जो करना है वो है
इसको रन करवाना है। तो रन कराने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक सिंपल सा VBA कोड यहां पर टाइप करेंगे। तो VBA कोड टाइप करने के लिए हम लोग चले जाएंगे डेवलपर टैब में। तो डेवलपर टैब अगर आपके सिस्टम में नहीं है तो वो कैसे लाया जाता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया है, तो वहां से आप इसको देख सकते हैं। तो डेवलपर टैब में हम लोग क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही हम लोग चले जाएंगे विजुअल बेसिक के सेक्शन में। विजुअल बेसिक के सेक्शन में आने के बाद आपको यहाँ पर इंसर्ट मॉड्यूल या तो आप इंसर्ट में जाके भी मॉड्यूल सेक्शन को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए तो आपके पास ये मॉड्यूल का सेक्शन ओपन हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर सिंपल सा आपको एक कोड जो है यहाँ पर टाइप करना है। तो कोड क्या होंगे, तो चलिए सबसे पहले हम लोग टाइप करना शुरू करते हैं यहाँ पर सब डिजिटल, चलिए नाम दे देते हैं हम लोग डिजिटल क्लॉक, ब्रैकेट ओपन करेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो ये हम लोग लिख लिए। नेक्स्ट हम लोग लिखना है रेंज। तो रेंज क्या होंगे, आपको रेंज देना है। तो रेंज मतलब जहां पर हम लोग का टाइमर है, जैसे सेल वन सेल टू, ये रेंज होता है। तो हम लोग एक्सेल के वर्कशीट पर चले जाएंगे या तो आप अल्ट प्लस F11 बटन प्रेस करके भी आप सीधा एक्सेल में आ सकते हैं। तो देखिए यहां पर आ गए। तो यहां पर हम लोग इसका सेल एड्रेस जानने के लिए इसमें क्लिक करेंगे और यहां देखिए आपको नेम बॉक्स में शो कर देगा इसका एड्रेस। सेल एड्रेस क्या है, J6। सिंपल सा F11 अल्ट के साथ F11 बटन प्रेस कीजिए, आप उसी जगह में पहुंच जाइएगा जहां से आपने कोड लिखना शुरू किया था। अब हम लोग यहां पर लेंगे इनवाइटेड डबल इनवाइटेड कोमा और यहां पर हम लोग टाइप करेंगे J6 जो उसका सेल एड्रेस था। देन इनवाइट कोमा क्लोज करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, देन आपको लिखना है डॉट वैल्यू। देखिए वैल्यू इक्वल टू देंगे, देन लिखेंगे नाउ, देन एंटर बटन प्रेस करेंगे। यहां आपको सिंपल सा लिखना है एप्लीकेशन डॉट ऑन टाइम, देखिए आ गया, प्लस नाउ प्लस टाइम वैल्यू। देन आपको यहां पर ब्रैकेट ओपन करना है, डबल इनवर्टेड कोमा में आपको आवर कॉलन देना है, फिर मिनट फिर कॉलन देना है, फिर सेकेंड 01, ये आपको टाइप करके इनवर्टेड कोमा से इसको और ब्रैकेट से इसको बंद कर देना है। देन आपको यहां पर लिख देना है आपका सब टाइटल जो है डिजिटल क्लॉक, इसको आपको मेंशन कर देना है डिजिटल, इसको आपको इनवर्टेड कोमा में लगा देना है डिजिटल क्लॉक, अंडरस्कोर लगाना है, जैसे आपने ऊपर में हेडिंग में लिखे हैं उस तरह एज इट इज आपको यहां पर टाइप कर देना है। देन इनवर्टेड कोमा क्लोज करेंगे और देन नीचे आ जाएंगे। अब यहां पर आपका कोडिंग कंप्लीट हो गया, बस इतना ही आपको कोड करना है, देन इसको आपको सेव कर लेना है। सेव करते समय आपको ध्यान में रखना है कुछ बात जो मैं आपको बताऊंगा। यहां पर बुक टू लिखा हुआ आएगा, आपको यहां पर डिजिटल क्लॉक ये मेंशन कर दिए और एक्सेल वर्कबुक जहां है यहां से आपको लेना है एक्सेल मैक्रो एनेबल्ड वर्कबुक, इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। देन आपको सिंपल सा और कुछ नहीं करना है, आपको सेव पर क्लिक कर देना है, बस ये सेव हो गया है। अब आप इसको रन करवाइए, तो रन करते हैं यहां पर, देखिए रन का बटन यहां है, या तो आप F5 बटन प्रेस करके भी रन कर सकते हैं। चलिए मैं F5 बटन प्रेस कर दिया। अब मैं एक्सेल में आ जाता हूं और देखता हूं यहां पर टाइम, देखिए चेंजिंग हो रहा है, शुरू हो चुका है, देखिए 7, 8, 9 दिखाना शुरू कर दिया है, मतलब मेरा क्लॉक जो है वो काम करना शुरू कर दिया है। अब यहां से जो है हम थोड़ा सा और डिजाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो चलिए इसको मैं जूम को पहले हटा देता हूं और यहां से मैं होम टैब में आ जाता हूं और यहां से जो है इसको मार्ज कर देता हूं और इसको रैप टेक्स्ट कर देता हूं और इसका फॉन्ट स्टाइल टाइम्स न्यू रोमन कर देते हैं और यहां से या तो आप इसका भी फॉन्ट स्टाइल अपने तरीके से कर सकते हैं। चलिए मैं ये ले लेता हूं और यहां से इसका साइज जो है 25 कर देता हूं। अब यहां पर मैं टाइप कर देता हूं डिजिटल क्लॉक, थोड़ा सा और भी बड़ा रखेंगे तो कोई दिक्कत है नहीं, कम जगह पर आ गया है, थोड़ा सा आप इसको मिडिल में कर लीजिए और इसका साइज जो है थोड़ा सा आप इसको इधर कर दीजिए। देखिए बस तैयार हो गया, इसको भी आप फॉन्ट में चेंज कर सकते हैं। चलिए मैं इसको येलो कर देता हूँ और इसका जो कलर है ब्लू कर देता हूँ, देखिए, और इसमें बॉर्डर लगा देता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट के साथ आप एंड बटन प्रेस कर दीजिए तो यहाँ पर बॉर्डर आ जाएंगे और साथ में ये जो सेल आपको नजर आ रहा है इसको भी हटाना है तो व्यू में चले जाइए और यहाँ से ग्रिड लाइंस को अनचेक कर दीजिए। तो बस आपका सिंपल सा तैयार हो गया डिजिटल क्लॉक।
तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा से समझ में आ गया है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और कमेंट अवश्य कीजिए, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो आज के लिए मेरा वीडियो इतना ही है। जय हिंद।